नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उन्नाव में चोरियों का खुलासा न होने से आक्रोश, एसपी से मिला सपा का प्रतिनिधि मंडल, जल्द खुलासे का मिला आश्वासन। मोरावा थाना क्षेत्र में हुई चोरी की घटनाओं का खुलासा न होने पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेश यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को एसपी दीपक भूकर से मुलाकात की। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुकदमा दर्ज होने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ग्राम पश्चिम में 3 अगस्त की रात हुई चोरी की घटनाओं ने पूरे गांव में हड़कंप मचा दिया था। पीड़ित आदिल खां के घर के अलावा अन्य घरों से भी करोड़ रुपए के जेवरात और नकदी चुराए गए थे। ये गंभीर मामला 4 अगस्त को थाना मोरावा में दर्ज किया गया और स्थानीय पुलिस ने प्रारंभिक जांच शुरू की। इसके बाद पुलिस उच्च अधिकारियों ने स्वात टीम को भी मामले में शामिल किया। जल्द खुलासे का मिला आश्वासन। 10 अगस्त को प्रसाद खेड़ा में एक चोर अरुण कृष्यम को पकड़ लिया गया, जिसने स्वीकार किया कि वे गांव में हुई चोरियों में शामिल था। हालांकि पुलिस अब तक चोरी का पूरा खुलासा नहीं कर पाई है। गांव के लोगों में इस बात को लेकर चिंता है, कितनी बड़ी चोरी के बावजूद पुलिस कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। आदिल खान ने उच्च अधिकारियों से अपील की है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए ताकि प्रभावित परिवारों को न्याय मिल सके। एसपी दीपक भूकर ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि पुलिस टीम इस मामले पर गंभीरता से काम कर रही है और जल्दी घटना का खुलासा किया जाएगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।